हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से किस किस को पाव भाजी खाना पसंद है? वेल, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरा फेवरेट महाराष्ट्रियन स्ट्रीट फूड है और मुझे यकीन है कि आप में से भी कई लोगों को पाव भाजी खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा और अक्सर आप पाव मार्केट से खरीद कर लाते होंगे। तो क्यों ना आज हम पाव घर में बनाकर तैयार करें, एकदम बेकरी स्टाइल। तो चलिए, आज मैं आपके साथ पाव बंस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एकदम बेकरी स्टाइल सॉफ्ट एंड डिलीशियस पाव बंस घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसे ऑल कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। और इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप एकदम मार्केट स्टाइल पाव बन घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए एक बोल में मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कप हल्का गर्म दूध। ये तो ना तो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच चीनी। इस चीनी को अच्छे से हम इस मिल्क में डिसॉल्व कर लेंगे, अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही चीनी डिसॉल्व हो जाती है इसमें हम मिला देंगे 2 छोटे चम्मच ड्राई एक्टिव ईस्ट। इसको भी हम जेंटली इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत हल्के हाथों से आपने इसको मिला लेना है और अब हम इसे ढककर करीब 10 से 15 मिनट तक के लिए एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक एक मिक्सिंग बोल में मैं यहाँ पे ले लूँगी 500 ग्राम्स मैदा। 500 ग्राम मैदा मैंने यहाँ पे लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से आपके ब्रेड और बंस बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अच्छे से इन सबको हम आपस में मिक्स कर लेंगे। और देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा ईस्ट भी अच्छे से ब्लूम हो चुका होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ब्लूम हुआ है। अगर इस तरह से आपका ईस्ट ब्लूम ना हो तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, इसका मतलब आपका ईस्ट खराब है। ईस्ट ब्लूम ना होने का ये कारण ये भी हो सकता है कि जो दूध आपने यूज़ किया है या तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म था या फिर कम गर्म था। तो चलिए, इस मैदे के मिक्सचर में हम बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसमें हम डाल देंगे तैयार किया हुआ ईस्ट का मिक्सचर। और अब हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से आपस में कम्बाइन ना हो जाए। और जैसे ही ये कम्बाइन हो जाता है हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आपने इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है, टाइट डो बिल्कुल नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला। और डो तैयार करने में आपको करीब आधा कप पानी तक लग सकता है। तो देखिए, ये डो तैयार हो चुका है। इसको अब हम एक मैट में ट्रांसफर कर लेंगे और अब हम इसे गूंदेंगे करीब 2 से 3 मिनट तक। आपने इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से गूंदना है। जितने अच्छे से और जितनी देर तक आप इस डो को गूंदेंगे उतना ही बढ़िया आपका ब्रेड बनकर तैयार होगा। तो देखिए, इसको 3 मिनट तक गूंदने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सॉफ्ट बटर। बटर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही पिघला हुआ। इसको हम इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से अब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। तो अब आपने इसको 5 से 6 मिनट तक और गूंदना है। तो टोटल आपने इसको करीब 8 से 10 मिनट तक गूंदना है। जितना अच्छा आप इसे गूंदेंगे उतना ही सॉफ्ट और बढ़िया आपका ब्रेड बनकर तैयार होगा। और इसको इतनी देर तक गूंदने का एक फायदा और भी है कि आपके हाथों की भी अच्छे से कसरत हो जाएगी। तो यहाँ इस डो को गूंदते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो चुके हैं। ये काफी स्मूथ तैयार हो गया है और इसने हाथों से चिपकना भी बंद कर दिया है। तो ये एक अच्छी निशानी है, जब आपका डो हाथ से चिपकना बंद कर दे इसका मतलब डो बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए, बीच में मैं पिंच कर रही हूँ तो ये इलास्टिक की तरह वापस अपने फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब हमारा डो एकदम बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ मैं मिक्सिंग बोल में थोड़ा सा तेल लगाकर इसको ग्रीस कर लूंगी और डो को इस बोल में रखकर हम अच्छे से इसे ढक देंगे। आप इसे क्लिंग फ्रेम से भी रैप कर सकते हैं या फिर हल्के गीले कपड़े से भी आप इसको ढक सकते हैं। और अब हम इसे किसी हल्की गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, 1 घंटे के बाद हमारा डो अच्छे से प्रूफ हो चुका है, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क कर इसको हल्के से पंच कर लूंगी। पंच करने से इसका एयर रिलीज होगा और अब मैं इसको वापस से दोबारा से मैट के ऊपर ट्रांसफर कर लूंगी। तो मैट के ऊपर मैंने पहले थोड़ा सा सूखा मैदा लगा दिया है ताकि ये मैट से चिपके ना। और अब मैं इसे करीब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और गूंद लूंगी। तो ये देखिए, हमारा डो बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। तो एक पार्ट करीब 500 ग्राम्स का होगा और दूसरा पार्ट भी करीब 500 ग्राम्स का। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप एक पार्ट से काम कर रहे हैं तो दूसरे को आपने अच्छे से क्लिंग फिल्म से रैप करके रखना है ताकि ये सूखे ना। अगर आप इसे खुला छोड़ेंगे तो ये सूख जाएंगे और फिर आप अच्छे से अपना बन बनाकर तैयार नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, एक पोर्शन को मैंने यहाँ क्लिंग फिल्म से अच्छे से रैप करके थोड़ी देर के लिए साइड में रख लिया है और दूसरे पोर्शन को मैं वापस मैट में ट्रांसफर कर लूंगी। पहले मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लिया है और अब मैं इसको बराबर हिस्सों में बांट लूंगी। तो मैंने यहाँ पे करीब इसके 8 बराबर हिस्से बनाकर तैयार किए हैं और अब हम हर एक पोर्शन का एक बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो वेइंग स्केल से नाप कर भी इसके एग्जैक्ट साइज के बॉल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, वरना आप इसे अंदाजे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। दूसरे पोर्शन के भी मैंने यहाँ पे बॉल बनाकर तैयार कर लिए थे। तो देखिए, ऑलमोस्ट सभी के वेट जो है वो आपको बराबर ही नजर आएंगे। तो ये करीब 65 से 70 ग्राम्स के बीच के मैंने बॉल्स बनाकर यहाँ तैयार किए हैं। और अब मैंने ले लिया है ये बेकिंग ट्रे।
तो ये बेकिंग ट्रे 12 बाई 8 इंच का है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 65 टू 70 ग्राम्स के 15 बॉल्स बनाकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब मैं इन्हें ट्रे में अरेंज कर लूंगी और आपने इनको थोड़े थोड़े गैप में ही रखना है, बहुत ज़्यादा गैप में नहीं रखना है। और अब हम इसे सेकेंड प्रूफिंग के लिए तैयार करेंगे, तो उससे पहले मैं इसे अच्छे से क्लिंग फिल्म से रैप कर दूंगी या फिर आप इसे हल्के गीले कपड़े से भी ढक सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सेकेंड प्रूफिंग के लिए किसी हल्की गर्म जगह पर छोड़ेंगे। गर्मियों के मौसम में आप इसे बाहर ही प्रूफ करने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में आपको किसी हल्की गर्म जगह की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं ओवन का इस्तेमाल करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि ओवन के अंदर एक ग्लास गर्म पानी का रख देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ रखा है, और गर्म पानी के बगल में मैं ट्रे को रखकर ओवन को बंद कर देती हूँ। आपने ओवन को ऑन नहीं रखना है। और इसी तरह से हम इसे 45 मिनट्स के लिए प्रूफ होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए 45 मिनट्स के बाद हमारा बन जो है अच्छे से प्रूफ हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है साइज में, और ये आपस में कितने अच्छे से जुड़ गए हैं। तो हमारे पाव बंस बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम उससे पहले इसे मिल्क से ब्रश कर लेंगे। तो आपने इसे रूम टेम्परेचर वाले दूध से ही ब्रश करना है, ना तो ठंडे दूध से और ना ही गर्म दूध से। इससे क्या होता है कि इसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन क्रस्ट बनकर तैयार होता है। और अब हम इसे एक प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 20 से 25 मिनट तक के लिए बेक होने देंगे, जब तक कि इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन क्रस्ट ना बनकर तैयार हो जाए। और ये देखिए 25 मिनट के बाद हमारा पाव बन बनकर बिल्कुल तैयार है, कितना अमेजिंग ये बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसे बटर से ब्रश कर लेंगे, तो इसके ऊपर बहुत प्यारा सा ग्लेज आ जाएगा और इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। तो देखिए हमारे पाव बंस बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी हम इसे ट्रे से नहीं निकालेंगे। हम इसे एक हल्के गीले कपड़े से ढककर 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर मॉइस्चर पैदा होगा, जिससे कि ये बंस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो जाएगा। और देखिए 10 मिनट के बाद हम इस टॉवल को हटा लेंगे और ये हमारे पाव बंस बिल्कुल तैयार है, एकदम सॉफ्ट और फ्लफी ये बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इन्हें हम ट्रे से निकाल लेते हैं। अब हम बहुत ही जेंटली इसके साइड्स को स्क्रेप करेंगे, और अगर आपका बन अच्छे से बेक हुआ है तो बिना बेकिंग ट्रे में चिपके ये बहुत ही आराम से ट्रे से निकल आएगा। और ये देखिए कितने आराम से ये निकल आया है ट्रे से, और बहुत ही बढ़िया हमारे ये बंस बनकर तैयार हुए हैं, एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी, और इनके ऊपर कितना प्यारा सा गोल्डन ग्लेज आया है। ये हमारे पाव बंस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो है ना इसे बनाना कितना आसान, और जिनके घर में ओवन नहीं है वो आराम से इसे कढ़ाई या कुकर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, बस आपने कुकर या कढ़ाई को प्री हीट कर लेना है गैस के ऊपर चढ़ा के, और अपने कुकर पतीले या कढ़ाई के साइज के हिसाब से आपने बेकिंग ट्रे लेना है, उसमें आपने बॉल्स को अरेंज करना है, और कुकर कढ़ाई के अंदर आपने एक रैक रखना है जिसके ऊपर की आप उस ट्रे को रखेंगे, और ऊपर से आपने ढक्कन लगा देना है, और उसी तरह से ढककर आपने इसे हाई हीट पर 30 से 35 मिनट तक के लिए बेक कर लेना है। और आपके पाव बंस बहुत आराम से गैस में बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं हमारे ये पाव बंस, बहुत ही बढ़िया सा इनमें जाला भी आया है, और एकदम परफेक्ट बने हैं, बेकरी से भी बढ़िया ये बनकर तैयार हुए हैं। तो अगली बार आप ही पाव बंस को घर में ही बनाकर तैयार कीजिए, और इन पाव बंस के साथ आप कई रेसिपीज बनाकर ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि पाव भाजी, वड़ा पाव, मिसल पाव, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये पाव बन की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।